तो दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि एवेंजर्स एंड गेम दोबारा रिलीज हो रही है, और साथ ही साथ इसमें जो एक्सटेंडेड सीन है ये फिल्म के अंदर के सीन है कि पोस्ट क्रेडिट सीन है, ये सब रिवील नहीं हुआ है। वैसे तो जब हम लोग ने एवेंजर्स एंड गेम देखी थी तो हम लोग को काफ़ी ज़्यादा शौक लगा था कि एवेंजर्स एंड गेम में क्यों नहीं कोई पोस्ट क्रेडिट सीन है, लेकिन स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम देखने के बाद ये तो समझ में आ गया है कि ये जो पोस्ट क्रेडिट सीन है एवेंजर्स एंड गेम में, ये जानबूझ के नहीं रखा गया था। और यहाँ पे एवेटार को हराने की एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है मार्वल स्टूडियोज की दूसरी बार रिलीज करने की मूवी, क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा था कि एवेटार को एवेंजर्स एंड गेम क्रॉस नहीं कर पाएगी, बहुत लोग का ये मानना था। तो ये इनका प्लान भी है कि अगर एवेंजर्स एंड गेम एवेटार को नहीं क्रॉस कर पाती है तो ये लोग एडिशनल फुटेज के साथ फिर से एवेंजर्स एंड गेम को हॉल में रिलीज करेंगे। अब यहाँ पर जो एडिशनल फुटेज की बात है वो हर मूवी में होती है, चाहे आप कैप्टन मार्वल की बात की जाए, चाहे इससे पहले की ब्लैक पैंथर मूवी की बात की जाए, हर मूवी में कुछ ना कुछ एडिशनल फुटेज होती है, डिलीटेड सीन होते हैं, बिहाइंड द सीन्स होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एवेंजर्स एंड गेम में मार्वल स्टूडियोज ने पहले से प्लान किया था कि अगर ऐसा होता है, इनकेस एवेंजर्स एंड गेम अवतार को बीट नहीं कर पाती है, तो हम लोग फिर से नई मूवी निकालेंगे विथ एडिशनल फुटेज। यानी अब यहाँ पे पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है एवेंजर्स एंड गेम की नंबर वन आने की, बहुत स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है और बहुत ही कारगर साबित हो रही है। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर एवेंजर्स एंड गेम में एक्सटेंडेड सीन के अलावा पोस्ट क्रेडिट सीन आता है तो वो क्या होगा। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि थानोस भी इटर्नल्स का पार्ट है, तो हो सकता है पोस्ट क्रेडिट सीन में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के प्रीक्वल मूवी को कनेक्ट किया जाए जब थानोस यंग था, क्योंकि यहाँ पे केविन फेगी ने ऑलरेडी कहा था कि थानोस का जो यंग वर्जन है वो ना एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दिखाया गया ना एवेंजर्स एंड गेम में दिखाया जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है, जब इटर्नल्स आएगी तो वहाँ पे हो सकता है मैं थानोस का यंग वर्जन दिखाई दे, और जोश ब्रोलिन का कॉन्ट्रैक्ट अभी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ खत्म नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है अगर वो थानोस के रोल में रीअपियर होते हैं तो वो इटर्नल्स मूवी में हमें नजर आएंगे एज ए यंग थानोस। और उसका कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट भी हाल ही में इंस्टाग्राम पे दिखाया गया था, उस पर भी बहुत लोग अपनी व्यूज दिए थे। और दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें तो ये हो सकता है कि कैसे मल्टीवर्स फॉर्म हुआ। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं थानोस के स्नैप की वजह से मल्टीवर्स फॉर्म हुआ है, लेकिन ये हम लोग को नहीं पता चला कि एलिमेंटस किस समय है, 5 साल पहले आया है कि 5 साल बाद आए, मिस्टीरियो 5 साल पहले आया है कि 5 साल बाद आए, ये कन्फ्यूजन अभी तक क्लियर नहीं हुई है। इसलिए हो सकता है पोस्ट क्रेडिट सीन में एक छोटी सी हिंट दिखाई दे कि कैसे अलग अलग मल्टीवर्स के पोर्टल खुल रहे हैं, उसमें से एलिमेंटस भी बाहर आ रहे हैं, उसमें से मिस्टीरियो भी बाहर आ रहा है, फिर वो पोस्ट क्रेडिट सीन कनेक्ट हो रहा है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी से। ये दो ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी है, एक तो यंग थानोस के अपीयरेंस की जो कि हमें आगे जाके देखेगा इटर्नल्स मूवी में, और एक तो मल्टीवर्स के फॉर्मेशन की जो कि हमें प्रॉपरली दिखेगा स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी में। वैसे दोस्तों, मैं दिल से चाहता हूँ कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवी एवेंजर्स एंड गेम नंबर वन पे चली जाए और उसकी मूवी हमेशा नंबर वन पर रहे, एक से एक मूवी, क्योंकि मैं मार्वल फैन हूँ। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एवेंजर्स एंड गेम इस बार अवतार का रिकॉर्ड तोड़ देगी? अपने व्यूज जरूर कमेंट करें। और दोस्तों, कॉमिक बुक टॉक्स की तरफ से स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के मूवी टिकट्स के गिव अवे हो रहे हैं। गिव अवे में पार्ट लेने के लिए सब आपको इतना करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, अपने फेवरेट सुपर हीरोज का नाम कमेंट करना है। तो दोस्तों, अगर आप भी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के मूवी टिकट जीतना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए कॉमिक बुक टॉक्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।